लैब टेक्नीशियन वह व्यक्ति होता है जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल मशीनरी के साथ काम करने और विभिन्न मेडिकल टेस्ट करने में एक्सपर्ट होता है। दुनिया भर के पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र में एक लैब टेक्नीशियन की भारी मांग है। लैब टेक्नीशियन कोर्स में स्टूडेंट को एनाटॉमी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी आदि जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। यदि आप लैब टेक्नीशियन कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो बिना स्क्रिप्ट किए हुए देखें। इस वीडियो में हम आपको लैब टेक्नीशियन के कोर्स से लेकर जॉब कैरियर तक सारी जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं लैब टेक्नीशियन कोर्सेज के बारे में, जिसमें डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स और मास्टर्स कोर्स आते हैं। उसके बाद सिलेबस, एलिजिबिलिटी, जॉब आफ्टर कोर्सेज, टॉप एब्रॉड यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे, टॉप इंडियन कॉलेज के बारे में और जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी के बारे में जानेंगे। हे एवरीवन, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट ट्रैक फेयर। सब्सक्राइब करें बेस्ट ट्रैक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। पहले जानते हैं लैब टेक्नीशियन कोर्स के बारे में। लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपके पास एक्सरे, रेडियोग्राफी, केमिकल्स आदि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपके पास तीन तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहले हम जानेंगे डिप्लोमा कोर्स के बारे में। डिप्लोमा कोर्स में कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, CBT टेक्नीशियन डिप्लोमा, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, डिप्लोमा इन क्लिनिकल एनालिसिस, सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्निक्स, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज हैं। अब जानते हैं बैचलर्स के कोर्सेज। इसमें आते हैं एक्सरे टेक्नोलॉजी BSc, BSc मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc ECG एंड कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, BSc क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये कुछ बैचलर के कोर्सेज हैं। अब जानते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मास्टर्स के लिए। MSc मेडिकल लेबोरेटरी, मास्टर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, MSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी MSc, MSc ECG एंड CBT। ये कुछ मास्टर्स के कोर्सेज हैं। अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस कुछ इस प्रकार है: एनाटॉमी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लैब मैनेजमेंट PSM, एडवांस लैब मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्यूनोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये सब सिलेबस हैं जो आप देख सकते हैं। हर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस अलग अलग हो सकती है। अब जानते हैं लैब टेक्नीशियन बनने के लिए एलिजिबिलिटी। लैब टेक्नीशियन बनने के लिए कुछ कोर्सेज की एलिजिबिलिटी इस प्रकार है, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए लैब टेक्नीशियन के पास डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट के पास इस साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। 12th में मिनिमम 50% से 60% के पास ज़रूरी होनी चाहिए। अब जानते हैं बैचलर डिग्री के कोर्स के लिए कुछ एलिजिबिलिटी। स्टूडेंट के पास साइंस स्ट्रीम से 12th मिनिमम में 50% और 60% से पास होना ज़रूरी है। भारत में बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th के मार्क्स पे भी आप डायरेक्ट एडमिशन हो सकते हैं। हालांकि एम्स और PGIMER जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए कुछ नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर वही बात करें विदेश में यानी कि एब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए, तो स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम कोई नहीं है। अगर इंडियन कॉलेज एडमिशन की बात करें तो इसमें कुछ स्पेसिफिक एज लिमिट मांगी जाती है। एब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एफिशिएंसी के लिए IELTS और TOEFL लगते हैं। इसके स्कोर की आवश्यकता होती है, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। अब जानते हैं मास्टर्स डिग्री कोर्सेज के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो स्टूडेंट के पास साइंस स्ट्रीम से 12th में मिनिमम 50-60% के पास होने चाहिए। भारत में, विदेश में और मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर की मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या कोई रिलेवेंट बैचलर डिग्री का कोर्स प्राप्त होना चाहिए। विदेश में मास्टर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए GMAT और GRE में स्कोर जरूरी है। वही इंग्लिश लैंग्वेज इफिशियंसी में IELTS या TOEFL स्कोर भी आवश्यकता होती है। अब जानते हैं लैब टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद जॉब। लैब टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद आपके पास लैब टेक्नोलॉजी में करियर बनाने की कई तरह के नौकरियां की संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान के हिस्सा में रहता है, जिसके कारण लैब प्रौद्योगिकी और अधिक कैरियर संभावनाएं की मांग की गई है। जैसे लैब टेक्नीशियन में लोकप्रिय जॉब के प्रोफाइल है, जैसे सिस्टम एनालिस्ट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट मैनेजर और भी कई सारे जॉब हैं। हमने टॉप जॉब्स को यहाँ पर लिस्टेड किया है। अब जानते हैं टॉप एब्रॉड यूनिवर्सिटी के नाम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डब्लिन, द हांगकॉन्ग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, जॉर्जन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, संत लॉरेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ऑरलियंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, चार्ल्स स्टॉट यूनिवर्सिटी, संत क्लेयर कॉलेज।
यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनेटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक। अब जानते हैं टॉप इंडियन कॉलेजेस के नाम। एम्स दिल्ली, सीएमएनसी वेलोर, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, GGSIPU न्यू दिल्ली, श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। ये सब कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिसके नाम हमने अभी बताए हैं। अब जानते हैं लैब टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद जॉब प्रोफाइल और सैलरी क्या रहती है। तो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट की 669,440 पर एनम होती है। उसमें लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 3 लाख है पर ईयर, और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर की 481,763 रुपीज़, मेडिकल टेक्नीशियन की है 3,50,000, लैब असिस्टेंट मैनेजर की है 5,50,000, लैब मैनेजर की है 5,50,000 और R&D लैब असिस्टेंट की 29 लाख है 5,873 पर एनम, असिस्टेंट प्रोफेसर की है 3,58,720 पर एनम। बताइए सैलरी अलग अलग हो सकती है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर अभी भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर हमें सोशल मीडिया पे जुड़ के वहाँ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इससे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कई सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से जाके आप इसकी चुनाव कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।